सबसे पहले मैं अपने मेहमान खसूसी को स्टेज पे दावत दूंगा और स्टेज पे तशरीफ लाएं। सैयद उस्ताद सैयद फयाज शाह साहब फाजपुर, वो स्टेज पे आ जाएं। उसके बाद मैं दावत दूंगा सैयद कमल शाह साहब दौलता नगर, वो भी स्टेज पे आएं। उसके बाद जनाब उस्ताद अरशद दौलता नगर, उनको भी स्टेज पे दावत दूंगा, वो भी स्टेज पे आएं। उसके बाद जनाब एहसान जवेद पनूरी, उनको भी जनाब मैं स्टेज पे दावत दूंगा, स्टेज पे आएं वो भी। राजा ब्राह्म मंडी मीरपुर, वो भी स्टेज पे आएं। उसके बाद जनाब सफदर भट्ट मंडी मीरपुर, उनको भी स्टेज पे बुलाऊंगा। काजम अली डोगा साहब, उनको भी स्टेज पे बुलाऊंगा। तकरीबे तकसीमे इनामात 15 सितंबर 2021 के वन डे टूर्नामेंट, जिसके ऑर्गेनाइज़र मैं खुद हूँ सैयद अली मुस्तफ़ा शाह। और जनाब ये टूर्नामेंट में खसूसी तावन किया गया है सैयद अली शाह, जो मेरे बड़े भाई हैं जर्मनी से। उसके बाद चौधरी नवीद आज़म डोगा, जिन्होंने ट्राफियों का अहतमाम किया है, और मलक सजाद आफ डोगा, इन दोनों भाइयों ने जो ट्राफियों का ये खूबसूरत इनाम आप भाइयों के लिए जो इंतजाम किए हैं, ये मलक सजाद डोगा और चौधरी नवीद आज़म डोगा, उनकी तरफ से ये आपको जनाब ट्राफियों का इंतज़ाम किया गया। उसके बाद जनाब फहमून अनवर बहरीन से, उन्होंने भी खसूसी तावन इस टूर्नामेंट में किया है। और इसके बाद जनाब इनामात का सिलसिला जारी करेंगे। इनामात सबसे पहले हम इस टूर्नामेंट के डबल मोर विनर कबूतर से आगाज़ करेंगे, उसका इनाम देंगे। डबल मोर विनर कबूतर है रहमान नानो आंडा, वो स्टेज पे आए। इनको इनाम देने के लिए बुलाऊंगा माजिद अली नानो आंडा, वो जनाब इस टूर्नामेंट का आखिरी विनर, उसका इनाम देने के लिए मैं बिलाल छोकर हुर्द उनको स्टेज पे दावत दूंगा। ये इनाम जनाब हासिल किया है उस्ताद तारक मेहर ऑफ फाजपुर, 6:40 पे आखिरी विनर का इनाम। इसके बाद जनाब इस टूर्नामेंट के पहले विनर, जो के दो विनर हैं, के दोनों विनर एक ही टाइम पे कबूतर बैठे हैं, इस वजह से इस टूर्नामेंट का पहला विनर है जनाब एहसान जवेद पंडोरी, 1:25 पे सैयद उमैर शाह को मैं बुलाऊंगा। बस नाम तो पानी।
इसके बाद जनाब इसी टूर्नामेंट का पहला विनर जो कि हमने दो विनर कर दिए थे, एक विनर का इनाम था लेकिन एक टाइम पे बैठने पर कबूतर 1:25 पे कबूतर एक ही साथ बैठने पर हमने ये इनाम दो कर दिए। इसमें जनाब पहला विनर जो है उसका इनाम देने के लिए मैं विकास दौलता नगर उनको बुलाऊंगा, वो स्टेज पे आएँ और इस पहले विनर का इनाम दें। पहला विनर हासिल किया है उस्ताद सैयद फयाज शाह ख्वासपुर। इसके बाद जनाब इस टूर्नामेंट में 7 पोजीशनें थी, टोटल 7 पोजीशनें जिसका सिलसिला हम शुरू करेंगे 7वीं पोजीशन से। इस टूर्नामेंट में 7वीं पोजीशन का इनाम देने के लिए मैं मलिक अरफान दौलतानगर उनको बुलाऊंगा, वो स्टेज पे आए और 7वीं पोजीशन का इनाम दें। हासिल की है सफदर भट्ट मंडी मीरपुर 53:09। उसके बाद जनाब 6वीं पोजीशन का इनाम है, वो इनाम देने के लिए मैं एहसान जवेद पंडोरी साहब उनको दावत दूंगा, स्टेज पे आएं और 6वीं पोजीशन का इनाम दें। छठी पोजीशन हासिल किया जनाब राजा ब्राह्म मंडी मीरपुर। मंडी मीरपुर 55:43 छठी पोजीशन हासिल किया जनाब। इसके बाद जनाब 5वीं पोजीशन का इनाम देने के लिए मैं स्टेज पे दावा दूंगा मलिक सजाद डोगा। इमरान असलम को दावत दूंगा, वो स्टेज पे आए और 5वीं पोजीशन का इनाम दें। पांचवी पोजीशन हासिल किया उस्ताद सैयद फयाज शाह ख्वासपुर 55:11। इसके बाद जनाब चौथा इनाम है इस टूर्नामेंट का, चौथा इनाम देने के लिए मैं काजम अली डोगा को स्टेज पे बुलाऊंगा, वो स्टेज पे आए और 4वीं पोजीशन का इनाम दें। 4वीं पोजीशन हासिल किया जनाब जुल्फकार शाह लांबड़ा 53:13। जुल्फकार शाह लांबड़ा। इसके बाद जनाब 3री पोजीशन का इनाम इस टूर्नामेंट में मैं 3री पोजीशन का इनाम देने के लिए उस्ताद अरशद आप दौलतानगर उनको स्टेज पे बुलाऊंगा, वो 3री पोजीशन का इनाम दें। 3री पोजीशन हासिल किया है कैसर जट छोकर हुद 53:36। इसके बाद जनाब इस टूर्नामेंट का दूसरा इनाम हासिल किया है
उसका इनाम दूसरा इनाम देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाऊंगा सैयद कमल शाह दौलता नगर, वो स्टेज पे आए और दूसरी पोजीशन का इनाम दें। दूसरी पोजीशन हासिल की है उस्ताद तारक मैर ख्वासपुर 60 घंटे। जनाब इस टूर्नामेंट के चैंपियन 15 सितंबर 2021 के चैंपियन पहला इनाम देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाऊंगा उस्ताद सैयद फ्याशा ख्वासपुर, स्टेज पे आम चौधरी वहीद बुजुर्गवाल 65 घंटे 5 मिनट। खाना वगैरह खा के जाए, सारे भाई कोई खाना खाए बगैर नहीं जाए।